आध्यात्म विज्ञान यह कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, यह स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। यह विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खोल देता है, जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो आध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आप आध्यात्मिक विज्ञानी है, तो ये आध्यात्मिक विज्ञानी क्या है, इसके बारे में आम जनता को समझ में आवे ऐसे आपकी भाषा में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। आध्यात्म विज्ञानी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं जी, और वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मतलब होता है, ये दुनिया का जो सनातन सत्य है जी, वो सनातन सत्य वो जानते हैं और उनकी दृष्टि में है, उनके अनुभव में है, इसीलिए उसको आध्यात्म विज्ञानी बोलते हैं। आध्यात्म विज्ञानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको वो खुद आध्यात्म विज्ञान को जानते हैं। और आध्यात्म विज्ञान किसको कहते हैं, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया कौन से तत्वों से बनी हुई है, बराबर है, ये दुनिया का कंट्रोलर कौन है जी, और ये दुनिया की जो ये अवस्था दिखती है वो क्या है, बराबर, इनका सनातन सत्य उनके विजन में उनकी दृष्टि में खुला हो गया है, इसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञानी यानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, यस ओके। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, उसके अंदर ये दुनिया छह तत्वों से बनी है, छह सनातन तत्वों से बनी है, और छह सनातन तत्वों के अंदर सबसे पहला तत्व है चेतन जी, दूसरा तत्व है जड़, ओके, तीसरा तत्व है गति सहायक मोशन, चौथा तत्व है स्थिति सहायक स्टेबिलिटी, पांचवा तत्व है स्पेस, और छठा तत्व है टाइम। तो ये छह तत्वों से पूरी दुनिया बनी है। इस दुनिया के अंदर मूलभूत दो तत्व है, जड़ और चेतन, और बाकी के जो चार तत्व है वो तो सहायक है, अवस्थाओं को सहाय करता है, बराबर है। तो वो चार तत्व जो है गति सहायक स्थिति सहायक समय तत्व एंड प्लेस तत्व, ओके, वो सहायक है अवस्थाओं को, अवस्थाओं को हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो छह तत्व को सिद्धांत के रूप में जानना है, इनका रोल क्या है दुनिया के अंदर, बराबर, क्योंकि पूरी सृष्टि उनसे बनी हुई है, बराबर, दुनिया की कोई भी अवस्था छह तत्वों से पर नहीं है, तो इसीलिए छह तत्वों को जानना, इसका एक नाम है आध्यात्म विज्ञान के अंदर, उसको कहते हैं कुदरत नेचर, ओके, दूसरा है ये दुनिया कौन से कानून से चलती है, तो ये दुनिया जो चलती है वो कुदरती कानून से चलती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, ओके, लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर का मतलब होता है कुदरत का कानून जी, जो जीव मात्र को लागू होता है, उसमें धर्म संप्रदाय व्यक्ति प्रदेश का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, और जो कुदरत का कानून है अगर वो कानून सबके लिए एक ही है, बराबर, इनका काम क्या है वो पूरा समझना, तो दुनिया जो पूरी चलती है वो कानून से चलती है, दिन रात होते हैं, ठंडी गर्मी होती है, बारिश होती है, और भरती ओट होती है, ये तेजी मंदी आती है, कर्म और कर्म फल ये सब कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है। ये देवलोक नरक लोक मध्य लोक पशु लोक ये चारों लोक को कौन भेजेगा, हु डिसाइडेड कि आपको कहाँ जाना है, तो ये कुदरती कानून के आधार से उनको जाना पड़ता है, तो ये कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करती है, कोई धर्म गुरु या भगवान या संस्था डिसाइडेड नहीं करती है, तो ये कुदरती कानून को जानना ये आध्यात्म विज्ञान का सेकंड स्टेप है। एंड द थर्ड स्टेप, ये जो पूरी दुनिया दिखती है पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आती है वो क्या है, जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आती है वो पूरी सृष्टि है, उसको कहते हैं कुदरती रचना, यानी एवरीथिंग इज जो भी दिखाई मेक बाय द नेचर, तो इसको कुदरती रचना कहते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को कुदरत कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में
गौर से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड का जो रहस्य है इनमें छुपा हुआ है। हमारे जो धर्मगुरु पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे केवल ज्ञानियों थे, तीर्थंकर भगवान थे और हमारे वासुदेव प्रति वासुदेव चक्रवर्ती थे, ये सब लोग ये साइंस जानते थे और जानते थे, इसीलिए वो उसका उपयोग भी करते थे, अनुभव भी करते थे और अपने जीवन में आत्मविश्वास से जीते थे, क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया क्या है, कैसे बनी है और कैसे चलती है। मगर आम जनता वो नहीं जानती है और इसीलिए उसको भीख और भय रहता है और पूरे जीवन के अंदर भीख और भय के आधार से, एक दूसरे की अपेक्षा के आधार से ही वो जीता है और पूरी जिंदगी भय में जीता है कि मैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये करूँ तो क्या होगा, मैं परिवार में नहीं हो तो क्या होगा, कल मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा, मैं धर्म का पालन नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं भगवान गुरु या मंदिर को नहीं मानूंगा, नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, ऐसा डर रहता होता है। मगर हाँ, मगर जो व्यक्ति ये दुनिया का जो सनातन सत्य जानता है उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मगर ये अल्टीमेट है। आम लोग सामाजिक सत्य के आधार से जीते हैं, उसके ऊपर जाओगे तो कहीं लोग धार्मिक सत्य के आधार पर जीते हैं और अध्यात्म का सत्य है वो सनातन सत्य है। सामाजिक और धार्मिक सत्य दोनों रिलेटिव सत्य है और आध्यात्मिक सत्य है वो सनातन सत्य है। सामाजिक और धार्मिक सत्य संप्रदाय के ऊपर आधारित है, धार्मिक सत्य भी धर्म के ऊपर आधारित है, मगर ये सनातन सत्य है वो जीव मात्र को लागू होता है क्योंकि वो किसी के व्यू पॉइंट से नहीं चलता है, सबके लिए इक्वल है। हाँ, तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और ये विज्ञान हम खुद आत्मसात करके अपना जीवन धन्य बनाए और मुक्ति के मार्ग में और सनातन सुख के मार्ग में चिंता मुक्त अवस्था के अंदर, चिंता मुक्त अवस्था को हम अनुभूति करें और सच्चा सुख प्राप्त करके हमारा खुद का कल्याण होवे, हम खुद सुखी होवे, शाश्वत सुख प्राप्त करें और हजारों लोगों को कल्याण के हम उत्तम निमित्त बने, यही प्रार्थना के साथ हम यहाँ ये आध्यात्म विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो, ओम शांति।